स्वागत है और अब एक्सप्रेस स्पेशल में बात करेंगे कोटा की, जहां पर रतनपुर थाने के कर्मचारी 90 साल से अधिक पुराने क्वार्टर में रह रहे हैं। कर्मचारियों के साथ उनके परिवारों का जीवन भी खतरे में आ चुका है। पुलिस कॉलोनी में 7 से अधिक कर्मचारी और उनके परिवार जर्जर क्वार्टरों में रहने को मजबूर हैं, जो कभी भी गिर सकता है, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं बच्चों को भी पढ़ाई में काफी परेशानियों का सामना इस दरमियान करना पड़ रहा है, क्योंकि बरसात के मौसम में छतों से पानी टपक रहा है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। अगर कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं अंग्रेजों के जमाने के सरकारी क्वार्टरों के मरम्मत के लिए कोई फंड नहीं है, जिसके चलते कर्मचारियों को खुद ही खर्च करके मरम्मत का कार्य कराना पड़ता है। तो 90 साल से अधिक पुराने क्वार्टर हैं जो अब जर्जर हो चुके हैं। तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं, खुद ही कर्मचारी पैसे लगाकर इनकी मरम्मत कराते हैं। डब्बू ठाकुर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डब्बू, अंग्रेजों के जमाने के ये क्वार्टर हैं, कोई मरम्मत कार्य नहीं, जर्जर हो गए हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, कोई ध्यान नहीं देता क्या? जी सी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकी जो प्रथा है, इनकी बेचारे पुलिस वाले को कोरोना के चलते बहुत ड्यूटी इनके लगाई गई, देखा गया, लेकिन ना रह ना चैन का रह सका गया, ना खा पा रहे हैं। पानी अपने आप जो कर्मचारी हैं खुद अपने अपने हाथों से छानी छा रहे हैं, और लेकिन जो वही और स्टाफ रहते हैं, तो कोई किराए के मकान में रहने लगते हैं, कोई धर्मशाला में रह रहे हैं, इनकी दशा सुनने वाला कोई नहीं है। 90 सालों से जर्जर पड़े हैं और इनका मेंटेनेंस के नाम से पैसा ना आना, फंड ना आना, ये सोचने भी विषय है। और इसी दशा जब जानने के लिए हम अपने उनसे कर्मचारियों से जब मिले, तो ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि हम इसकी शिकायत पेपर मांग कर चुके हैं, लेकिन हमारी मांग को नहीं पूरी की जाती है, ना यहाँ पर रहने की सुविधा दी जाती है, और वहाँ पर 24 घंटा आए दिन उस जो मतलब अपना जो रतनपुर ये क्षेत्र है, वो आए दिन मंत्रियों मिनिस्टरों का दौरा लगे रहता है, अधिकारियों को दौरा लगे रहता है, लेकिन इस तरह देखना ना देखना, इन लोगों को ध्यान न देना, कर्मचारियों को, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है लोगों के लिए है। तो पुलिसकर्मी इन क्वार्टर्स के अंदर रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर डब्बू लग गया है। जो बड़े अधिकारी हैं वो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं आता, तो आखिरकार फंड क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हो रही है फंड आने में, क्या कब तक आखिरकार ये पुलिसकर्मियों के परिवार इन जर्जर क्वार्टरों में रहने के लिए विवश होते रहेंगे? इनके पास इनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था भी कराई जा सकती है रहने के लिए? जी बिल्कुल कराई जा सकती है, नई जगह पर भी शिफ्ट किया जा सकता है डब्बू जी, लेकिन बात ही आती है कि फंड ना होने के बाद हवला देना, और यहाँ पर लोगों की जो दशा सुनने वाला कोई नहीं है, तो जाए तो किसके केस पास जाए, कर्मचारी किसके पास जाए, खुद जो दूसरों को न्याय दिलाने वाले कर्मचारी, जो 24 घंटा जो जनता के बीच में सेवा देने वाले कर्मचारी है, लेकिन उनकी दशा सुनने वाला कौन है अधिकारी, ना मंत्री है ना मिनिस्टर, कोई नहीं अधिकारी। 90 सालों से जर्जर मकान बिल्डिंग भवनों रह रहे हैं, खुद रिपेयरिंग कर रहे हैं, कुछ छानी छा रहे हैं वहाँ पर, महिला स्टाफ है, महिला सरकार के कानों तक ये बात गई है, सरकार को पता है इस पूरे मामले में? सर 90 से है पुलिस की, तो जो पुलिस के कर्मचारी हैं आज भी, जैसे अपने ही कोटा विधानसभा में कोटा अपने यहाँ कर्मचारी भी हैं, यहाँ की भी स्थिति ऐसी है, जो पीडब्ल्यूडी जो कर्मचारियों से पूछा गया, इंजीनियर से पूछा गया कि ये दशा इस स्थिति में क्यों नहीं किया गया, बोले कि हमारे पीडब्ल्यू में इसको डिस्मेंटल कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए फंड बनाने के लिए या भवन बनाने के लिए नहीं है वो। चलिए शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए डब्बू। धनश्याम रात्रि जुड़ गए हमारे साथ, अध्यक्ष नगर पालिका। धनश्याम जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। सर अंग्रेजों के जमाने के क्वार्टर में पुलिसकर्मी इस वक्त रहने को मजबूर हैं। सवाल ये नहीं है कि वो अंग्रेजों के जमाने का है, सवाल ये है जिन क्वार्टर्स में पुलिसकर्मियों के परिवार रह रहे हैं वो जर्जर हो चुके हैं, किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ना कोई मरम्मत कार्य कराया जाता है, ना पुलिसकर्मियों के परिवार को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। देखिए भाई साहब, जो है अभी तक ऐसा शिकायत नगर पालिका तो नहीं आई है इनके द्वारा, पर अगर ऐसा है तो उनको देखा जाएगा, प्रस्ताव बनाया जाएगा, मांगे उनके प्रशासन से पैसा जो है, क्योंकि सभी को अधिकार है, क्योंकि ये जवान है, हमारे नगर के हैं,
तो बिल्कुल बिल्कुल इनको जो है मिलना चाहिए सुविधा जो है ना। लेकिन इनके बारे में जो है अभी तक मांग हमको अवगत नहीं कराई गई है जो है। हाँ जी जी जी, चलिए शुक्रिया धनश्याम जी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ सर